हरदोई में कस्बे के अल्लीपुर सड़क स्थित चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में बृहस्पतिवार शाम को कथाव्यास शिवानंद भाई ने कहा कि आज हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें भगवान के दर्शन कराता है, जीवन को सुखमय बनाता है, जो भगवान का सच्चा नाम है उसका बोध कराता है, मानसिक विकारों को दूर करता है। हमको पहले अपने अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को निकालना होगा। इस मौके पर पुनीत मिश्रा, लव कुमार मिश्रा, दिलीप, गंगाराम मिश्रा, रामशरण, रोहित मिश्रा, रमाकांत शुक्ला, शिवशंकर वैश्य, रामकुमार वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जो बुजुर्गों की छाव में रहते हैं कभी उन्हें दुखी होना नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि बने बुजुर्गों के पास वो आप आजकल की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की पढ़ाई न हो तो चलेगा। मेंडलिफ की आवर्त सारणी न जानते हो चलेगा, लिथियम न जानते हो चलेगा, तो? लेकिन उनके पास जो जीवन जीने का अनुभव है वो आजकल की युवा पीढ़ी के पास नहीं। अगर वो मिल गया मेरे प्यारे तो जिंदगी ऐसी सुकून से बीतेगी कि तुमने सोची भी नहीं होगी। इसलिए अपने से बड़ों की छाव में रहना सीखो, अपने से बड़ों की छाव। ध्रुव जी महाराज इसलिए संस्कारी है क्योंकि ध्रुव की माँ उनको संस्कार सिखाती है। सुबह हुई, श्री ध्रुव जी महाराज जंगल की यात्रा में चले तो जैसे ध्रुव जी महाराज जा रहे थे, माँ आई, बेटा कहाँ जा रहे हो? माँ ने कहा प्रभु भजन के लिए। और कहा लाला मत जा, अब तक समझाने वाली माँ अब रोक रही है। भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले रुकावट कौन बनेगा? ममता। निकिता वरंबी के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।